वो देखते हैं भाई, ठीक है। वाइल इन एक्सटेम्पररी टिप्स फॉर जीडी प्लीज। ओके ग्रेट। जीडी के लिए बहुत टिप्स बताऊं क्या यार? मैंने ऑलरेडी एक्सेल रहेगा जीडी तुम्हारे से कवर कर दिया था ना, ये एक्सेल ने जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो ये चलो बताऊं क्या दोबारा से जीडी का? हाँ भाई, यू वांट टू लिसन टू जीडी यस नो? यू वांट टू लिसन टू जीडी यस नो? यस 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 यस, सबने यस किया। ओके गुड, चलो ठीक है, मैंने कवर किया था एक्सेल रहेगा। चलो मैं बताता हूँ, ये दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिवन बाय एक्सेल, बट आई विल गिव यू माई ओन तड़का टू दिस एज वेल। ग्रुप डिस्कशंस कैसे किल करने हैं, अगेन आई रिपीट, एक्सेल इज रिलीज डॉक्यूमेंट इन विच दे आर टीचिंग पीपल के जी डी क्या होता है, ठीक है। वो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एंड देन गिव यू माई तड़का। लेट्स गो। ग्रुप डिस्कशन इज नथिंग बट यू विल बी सिटिंग विद अ पैनलिस्ट फ्रॉम 6 to 15 पीपल एंड आफ्टर दैट यू आर सिटिंग डाउन देयर एंड गिविंग यूर इनपुट्स एज वेल। जी डी के अंदर एक स्टार्टर होता है, एक बंदा जो हमेशा स्टार्ट करता है। हाँ, मोस्ट ऑफ पीपल जस्ट जंप ऑन टू दैट एंड दे स्टार्टिंग इट आउट। बिल्कुल मिडिल पोजिशन, बहुत बढ़िया। गिवन अ चांस हमेशा मिडिल के अंदर बैठेगा। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ही पतले हो, छोटे से हो, तो गिव योर स्पेस, एकदम सुमड़ी में छोटा होकर मत बैठने का। आसपास अगर आपके कोई मोटा बंदा बैठा है तो थोड़ा उसको पुश कर देना, अपनी स्पेस पक्का बनाएगा। जो दिखेगा नहीं उसको नंबर भी नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ। नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट इज लाइक दिस, और हम यहाँ पे अब ऐसे पैनल की तरह बैठते हैं, 1, 2, 3 पीपल एज वेल। जो मैं मेनली दिखते हैं वो ये वाले होते हैं फॉर श्योर। इधर वाला बंदा हमारे क्लोज तो होता है बट उतना मज़ा नहीं होता बिकॉज हम अपनी मुंडी इधर काफ़ी देर के लिए नहीं रख सकते। सो गिवन अ चांस यहाँ बैठिए। अगर नंबर्स ऑलरेडी एलोकेट कर दिए जाए तो आपको वहीं पर बैठना पड़ेगा पोजिशंस के लिए। नंबर वन, मैंने एक और बात बताई हुई है, पहले रिपीट करता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके साथ वाला बंदा और इससे नेक्स्ट वाला बंदा आपको नहीं दिखेगा, तो आप थोड़ी सी मुंडी हिला सकते हैं। मुंडी हिला सकते हैं, ओवर नहीं करना है। कोई कुछ भी, वो रणबीर अलावा दिए थोड़ा ओवर करता है, उतना नहीं करना है, पर थोड़ी सी मुंडी हिला सकते हैं अगर कोई अच्छा पॉइंट हो। मेक श्योर पेन इज मूविंग थ्रू आउट द जी डी। ओके, मेक श्योर पेन इज मूविंग थ्रू आउट द जी डी। इट साउंड दैट यू आर एक्चुअली, इट लुक्स लाइक यू आर एक्चुअली इंग्रॉस, एंड नॉर्मली इफ यू राइटिंग डाउन द पॉइंट इट्स ऑलवेज इंग्रॉस। दिमाग में ये मान के चलना है कि तुम्हें एंड के अंदर, जब एंड के अंदर आपको चांस मिल सकता है कि भाई चल तू बैठ के कंक्लूड कर, या अगर आपका चांस आया यू हैवंट स्पोकन मच, तो आपको वो चांस मिलेगा कि बेटा तू बैठ के कंक्लूड कर। और इट कुड बी अदर वे अराउंड, आई डोंट लाइक यू बट आई वॉन्ट गिव यू वन मोर चांस दैट वेदर यू आर अ टीम प्लेयर और नॉट, यू आर द बेस्ट ऑफ द स्पोक्स पर्सन, बट स्टिल आई एम गिविंग यू वन चांस, बट यू क्रॉस द लाइन, यू क्रॉस द लाइन ऑफ स्पीकिंग टू मच, आई कम टू दैट इन अ सेकंड, बट देन आई गिव यू चांस, चल बेटा अभी तू बोल के एक बार दिखा दे। मेक श्योर अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ लिखे हों। नॉर्मली दे गिव यू पेन एंड पेपर, इफ दे डोंट गिव यू पेन पेपर यू कैन यू ऑल द राइट्स टू आस्क पेन एंड पेपर एज वेल। लेट्स कम टू, ये हो गया तुम्हारा फ्रेमवर्क बैठना कैसे। लेट्स टॉक अबाउट इनिशिएटर। इनिशिएटर इज द बेस्ट पर्सन हु इज एक्चुअली इनिशिएट, हु इज ऑलवेज रिमेंबर्ड, बट यू कैन किल द इनिशिएटर बाय द सेकेंड, यू कैन किल द इनिशिएटर बाय द सेकेंड स्पोक्स पर्सन एज वेल। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉपिक आता है IPL का, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग IPL इज अ बून और अ बेन। यू कैन टॉक अबाउट, टॉपिक कुड बी IPL इज अ बिजनेस और स्पोर्ट्स। सीधा मत शुरू हो जाना, आजकल हम देख रहे हैं IPL बिजनेस स्पोर्ट्स है, गो बैक टू द हिस्ट्री। Whenever given a chance, you can become the second speaker. First speaker normally jumps the gun. अरे मैं बोलूँगा, उसको घर पर बोल के भेगा भाई फर्स्ट स्पीकर बनना है। फर्स्ट स्पीकर नहीं, यू कैन होल्ड इट आउट। आई थिंक वी आर जंपिंग द गन्स राइट नाउ। आवर टॉपिक शुड बी लेट्स कंसिडर, लेट्स सी हाउ द IPL केम इन टू द हिस्ट्री, नंबर वन। एंड हेयर यू कैन टॉक अबाउट IPL के पहले ICL आया था, विच इज द कॉपी ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, सॉरी EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग, एंड नाउ इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड एज वेल। वो क्यों आया था? टू गिव अ चांस टू द ऑल द प्लेयर्स हु कुड नॉट प्ले रांची एज वेल, CPL या एनी विच वेज। तो रीड मोर अबाउट द सेम। रिजर्वेशन अकाउंट, अगर आपको टॉपिक आता है, ये मैंने पॉडकास्ट में बोला था, रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी था। आज से कुछ साल पहले BR अम्बेडकर जी ने लॉन्च किया था, 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर ओनली बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, जो हमारे ब्राह्मण एक्सेट्रा थे, बाकी शूद्रास, क्षत्रियास, कॉबलर्स एक्सेट्रा वर नॉट गिवन अ चांस। एट दैट टाइम रिजर्वेशन वॉज इंपॉर्टेंट। तो यू कैन ब्रिंग, यू कैन मेक अ स्मॉल पाई चार्ट ऑल्सो, गिवन अ चांस इफ यू गैस कैन मेक ग्राफ्स एक्सेट्रा, वट एवर यू वॉन्ट रिप्रेजेंट ऑन पेपर ऑफ ऑन पेपर, यू गैस कैन राइट डाउन फॉर श्योर। गो बैक टू द हिस्ट्री, किल द स्पीकर नंबर वन, ठीक है भाई, ये स्टार्टिंग की बात होगी। गिवन अ चांस हाउ टू स्पीक इन अ जी डी, ऑलवेज फिश मार्केट के बारे में बात करता हूँ मैं, ये बताया हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ भाई। 1, 3, 6, 9, सपोज करो आपका 10 मिनट का जी डी है, फर्स्ट 1 मिनट के अंदर आपका प्रेजेंस आपको फेल्ट करवाना है फॉर श्योर। 1, 3, 6, 9। वाई? इफ यू कम आउट 6 मिनट्स, तो तब तक मेरा कुछ सिलेक्शन सेट हो जाता है, यार मेरे को ए वाला लेना है बंदा, बी वाला लेना है, सी वाला। ट्राई टू स्पीक लेस पॉइंट्स टू द पॉइंट्स, बट मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग 1, 3, 6, 9, ठीक है भाई। मतलब पहले मिनट में बोलिए, तीसरे मिनट, चौथे मिनट में बोलिए, छठे मिनट में बोलिए, और 9 मिनट में क्लोजर के पहले अपना पॉइंट पक्का देके जाइएगा। ब्रह्मास्त्र,
There is also one of the topics. You guys can input your topic, and you guys can always say, let's think it from a different perspective. Even if your perspective is same and you're not getting chance to speak about, you guys can use let's see from a different perspective. Arre point to alag hoga na. When you use such lines, everybody start listening to you. Yaar kuch to naya aa raha hai, kuch to naya aa raha hai, theek hai? Let's see from a different perspective. Aur kuch hackney terms hai abhi. There is no black or white, there are shades of grey, two sides of the same coin, etc. If you guys want to use those things, do that. Hamesha dono pehlu ki baat karo, but apna opinion pakka chhod ke jana. You cannot change stances on GD. If you guys are on the positive side, be on the positive side. If you are on the favor, for to for, against to against. In the start of the GD, if you are one of the initiators, you guys can definitely plug in the points and say that ki hum dono pehlu ko aaj analysis karenge, par apna point pakka deke jana, mujhe kya lagta hai for sure, theek hai? Mujhe kya lagta hai for sure, wo aapka opinion pakka note karega. There could be some follow-up questions also in the GD as well. Lastly, Brahmastra. If it goes for a fish market, there's a Brahmastra to deal with fish market. I'll come to that in 30 seconds. Uske baad Exilrai kya bolta hai, wo samajh lete hain. Ye bolte hain, communicate karo, collaborate karo, critical thinking skills dikhao. Ki yaar, you can think it from different perspectives, theek hai? Critical thinking. Communicate karo, apne point achche de bolo, collaborate karo, baaki ko bhi mauka dijiye for sure. इनिशिएटर एक होता है, एक बिल्डर होता है, एक चैलेंजर होता है, डिफेंडर होता है, सिंथेसाइजर होता है और एक समराइजर होता है. ये स्टार्ट करता है और ये एंड करता है, ये बिल्डिंग ऑन द पॉइंट करता है, एडिंग ऑन टू वन मोर पॉइंट, एडिंग ऑन टू माय फ्रेंड्स पॉइंट, एडिंग ऑन टू माय कलीग्स पॉइंट, राइट. ये चैलेंजर होता है, स्टेटस को क्वेश्चन करता है, नहीं भाई अभी पॉलिटिक्स का बहुत बुरा हाल है या अभी इंडिया का बहुत बुरा हाल है, चैलेंज करता है. $5 trillion इकॉनमी इज नॉट गोना हैपन, ये डिफेंड करता है, बोलता है नहीं नहीं भाई 5 trillion को अपन डिफेंड करेंगे. ही ऑलवेज टेक द डिफेंडर का स्टैंड. ये सिंथेसाइज करता है अगर जीडी इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज द वन हु इज गिविंग चांस टू अदर पीपल. अगर आपके लग रहा है कि डिफेंडर ज़्यादा हो गए, चैलेंजर ज़्यादा हो गए, तो आप बोल सकते हो कि यार मुझे लगता है हमने इस परस्पेक्टिव को फेवर में बहुत पॉइंट कर लिया, किसी और का पॉइंट है जो कि इसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहता है या इसके खिलाफ कुछ है, तो वी कैन कम टू अ गुड डिस्कशन एज वेल. सिंथेसाइजर कैन ऑल्सो समराइज द जी डी. यार 10 मिनट हो चुके हैं, हम सेम बात रिपीट कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो ओनली टॉकिंग अबाउट द $5 trillion इकॉनमी एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, IT एंड जॉब्स. देर इज नो अदर पॉइंट. आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट द global economy as well. Is global economy supporting us? Because Indian economy is depending on that as well. How the global chances right now? How we can promote different things like tourism? Tourism is a big shit can happen in India. But right now, I think less than 6% of the economy comes from GDP, if I'm not wrong. GDP comes from tourism. But ek bar stats check karna. Tourism could be on the medical healthcare tourism as well, which is again big. Aaj bhi US, UK ke andar agar aapko daant nikalwana hai, to it can go up to somewhere around $400. People who've been and studied abroad or been abroad, they know what I'm talking about. इसलिए बहुत से लोग इंडिया आते हैं वापस और इंडिया आके अपना दांत चेक कराते हैं, चश्मे लगवाते हैं. मेरी बुआ यूके से आती है तो अपने चश्मे बनवाती है बैठ बैठ के, गड़गड़ गड़गड़. यहाँ पे 1000 रुपये से 2000 रुपये में आपके चश्मे बन जाते हैं, वेयर इवन टेस्टिंग जाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रिंग इन द डिफरेंट परस्पेक्टिव हेयर, इन शॉर्ट ये है तुम्हारा जीडी का. क्विक 5 सेकेंड चेक, सबको जीडी समझ आ गया? लास्ट ब्रह्मास्त्र बताऊँ, येस और नो? येस येस कर दिया करो चैट के अंदर भाई. हाँ भाई, येस और नो? ओके, यस 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 यस. ब्रह्मास्त्र, यू आर स्पीकिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग ब्लडी टाइम टू स्पीक. अच्छा, बाय द वे, मैकेंजी, बीसीजी, बेन, कहीं पे भी जाना है ना, जीडीपी क्रैक करना पड़ेगा आपको इंटरव्यूज के अंदर, कॉलेजेस के, SIPs के अंदर, समर इंटर्नशिप में, सब कुछ यही होने वाला है. यू कैन ऑलवेज यूज द ब्रह्मास्त्र विच सेज लेट मी पुट. आपका पूरा सेंटेंस है लेट मी पुट अ पॉइंट. Rather than trying to kill someone by saying different, I have a different perspective, I think we should see it from there, I think the $1 trillion economy, no one's going to listen to you. When you just, or aram se, pyar se yaad karke, if you just say like, let me put, teen baar karo, trust me, you'll be able to enter into any kind of bloody fish market in the world. It's called the eco, ye khud ka hai mera gyan, but it's called the eco advice. Apni baat ko aap eco karte ho, aur pehli baar mein 2 log sunte hain, dusri baar mein 3 log sunte hain, और उसकी चौथी बार में चार लोग सुनते हैं. नंबर वन. सेकेंडली, नेवर कट आउट द मोस्ट द गाय हु इज द बेस्ट स्पीकर. नेवर कट आउट द गाय जिसने पहली बार बोला है. तुम्हें वो वीकलिंग लग रहा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई छोटा सा है, कोई बड़ा सा है, उसने एक ही पॉइंट बोला है और तुम्हें लग रहा है इसको तो मैं मार दूंगा साला, इसको तो मैं कट करूंगा. नेवर एवर कट दैट. ऑलवेज कट अ गाय हु इज द गाय और अ गर्ल हु इज द बेस्ट स्पोक्स पर्सन इन द एंटायर थिंग. ठीक है, सपोज करो उसका नाम लिखा हुआ है आयुष है यहाँ पे या मोना है. टेकिंग ऑन टू मोनास पॉइंट, दिस गाय इज वेरी वेल ट्रेंड, ही इज अ स्पोक्स पर्सन. वो पहले जीडी ये सब कर चुका है, डिबेटिंग करके आया है, उसको पता होगा चल यार ये मेरे पॉइंट बिल्ड अप कर रहा है, करने दे इसको. ओके, एडिंग ऑन टू मोनास पॉइंट, एडिंग ऑन टू आयुष पॉइंट, एडिंग ऑन टू रश्मीज पॉइंट, आप उसको कट कर सकते हो
और जब भी एक टॉप स्पीकर बोलता है ना, उसके बाद एक हल्का सा साइलेंट होता है व्हेन दे गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। जब एक छोटा गरीब बोल रहा है, वो गरीब के ऊपर सब पड़ जाएंगे चार पांच, यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द फिश मार्केट। तो बड़े इंसान पे करना, ये दो पॉइंट्स हैं, आपको काफ़ी हेल्प होंगे टू क्रैक एनी काइंड ऑफ जीडी इन द वर्ल्ड, वेदर इट समर इंटर्नशिप्स और वेदर इट योर इंटरव्यूज। ठीक है भाई।